गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उस चैप्टर का नाम है सांवले सपनों की याद। इसके लेखक का नाम है जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। वह अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, मंत्री बने और 1955 में बिहार विधान परिषद के सदस्य सभापति बने। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जैसे एक नदी रेत, भरी रेत रेत लहू, कहानी संग्रह थे आलोम लजावा, डोला बीबी का मजार, डायरी, दो चेहरों वाली एक नदी, ध्वनिमत, काफी नहीं है, अतीत का चेहरा जो आगे है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। अब ये जो पाठ है सांवले सपनों की याद, इसमें उनकी भाषा प्रभाव में, प्रभाव मतलब लगातार, सरल, बहुत आसान भाषा है जिसे पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आ जाती है। कहीं कहीं गूढ़, गूढ़ का मतलब होता है उनकी बातें रहस्य देने वाली थी। डायरी शैली में लिखा हुआ संस्मरण है। यह सालिम अली जी के बारे में है, यह एक संस्मरण है। सालिम अली जी एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे। उन्होंने इसमें उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया है। उन्होंने बताया है अपनी इस पाठ में उस समय का वर्णन किया है जब सालिम अली जी की मृत्यु हो जाती है और वह जीवन के अंतहीन सफर पर जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि वह व्यक्ति जो हमेशा पर्यावरण के लिए जिया, पर्यावरण के लिए ही जिसने अपना जीवन बलिदान कर दिया, आज वह व्यक्ति सुनहरे रंग के पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक हुजूम सवार होकर मौत की खामोश वादी की तरफ जा रहा है और उस झुंड में सबसे आगे सालिम अली जी चल रहे हैं। वे सैलानियों की तरह एक अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं। यह उनके जीवन का अंतिम सफर है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यदि दूसरा व्यक्ति उसे बुलाना भी चाहे तो वह व्यक्ति वहाँ पर वापस नहीं आ सकता। ठीक उसी तरह सालिम अली जी भी की भी मृत्यु हो गई है। सालिम अली जी तो जो थे वो पक्षी प्रेमी थे, पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों की देखरेख में, उनकी रक्षा में ही गुजार दिया। सालिम अली जी इस बात से बहुत दुखी थे और नाराज़ थे कि लोग पक्षियों को आदमी की तरह देखते हैं। जिस तरह मैं आप अपने बारे में सोचती हूँ, आपके बारे में सोचती हूँ, वही मैं पक्षियों के बारे में सोचती हूँ। मैं पक्षियों को पक्षियों की नज़र से नहीं देखती। सालिम अली जी कह रहे थे कि लोग पहाड़ों, झरनों और जंगलों को भी आदमी की नज़र से ही देखते हैं। यह गलत है। हमें झरनों को झरनों की नज़र से, पक्षियों को पक्षी की नज़र से, पहाड़ों को पहाड़ों की नज़र से देखना चाहिए। आगे कहते हैं, मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि कोई भी व्यक्ति इतना कठोर हृदय कैसे हो सकता है कि वह पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर रोमांचित ना हो सके। लेखक आगे कहते हैं कि पता नहीं वृंदावन में कब भगवान कृष्ण ने रासलीला की होगी, कब ग्वाल बालों के साथ खेले होंगे, कब मक्खन खाया होगा, कब बांसुरी बजाई होगी और कब रासलीला की होगी। परंतु आज भी हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ के यमुना के काले पानी में हमें ऐसा लगता है जैसे कि अभी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आ जाएंगे।
सारे वातावरण में उनके संगीत का जादू बिखरा रहता है। तो लेखक कहता है कि सालिम अली जी कहते हैं कि जब हम इतने सालों बाद भी कृष्ण जी का जादू वहाँ पर महसूस कर सकते हैं, तो हम इन पक्षियों के संगीत का जादू अपने जीवन में क्यों नहीं महसूस कर सकते। हमें उनके मधुर संगीत का अपने जीवन में आनंद लेना चाहिए। सालिम अली जी पूरे देश में घूमे। उनकी जब उनकी मृत्यु हुई तो लगभग उनकी उम्र 100 वर्ष की थी। उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था, परंतु वो फिर भी नहीं रुके, और तब तक उनके जीवन का अंत नहीं हो गया जब तक वे क्या घूमते ही रहे। उनकी इस उम्र में भी उनके अंदर पक्षियों को खोजने का जुनून सवार था। लेखक आगे कहते हैं कि जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक उनकी आंखों पर पक्षियों को ढूंढने के लिए दूरबीन ही लगी रही। वो पक्षियों को ढूंढते ही घूमते रहे। उनके इस सफ़र में उनकी पत्नी तहमीना, जो कि उनकी सहपाठी भी थी और बाद में उनकी उनसे शादी भी हो गई, पूरा योगदान दिया। सालिम अली जी जो थे वो केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तान के हवा के झोंके से बचाना चाहते थे। उन्हें डर था यदि रेगिस्तान के हवा के झोंके इसी प्रकार आते रहे तो जो वैली है वो धीरे 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 नष्ट हो जाएगी। इसके लिए वो चौधरी चरण सिंह जी से भी मिले, जो उस समय प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जी एक किसान थे, गांव की मिट्टी में जन्म लिया था, तो वे सालिम अली जी के पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर बहुत भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा जब एक साधारण सा व्यक्ति पर्यावरण के विषय में इतना अधिक सोच सकता है तो मैं पर्यावरण के विषय में क्यों नहीं सोच सकता। आज इन दोनों में से कोई भी जीवित नहीं है। अब पता नहीं कौन हिमालय के घने जंगलों बर्फ में, लद्दाख की भूमि में कौन उन पक्षियों की चिंता करेगा। लेखक आगे कहते हैं कि सालिम अली ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था फॉलो स्पैरो। उन्होंने उसमें डी एन लॉरेंस के विषय में भी लिखा है। उन्होंने बताया जब डी एन लॉरेंस, जो कि एक प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे, उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी फ्रिडा से पत्रकारों ने उनके विषय में जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस एक अजनबी की तरह रहे। अजनबी, उन्होंने अपने पति को अजनबी कहा, इसीलिए कहा क्योंकि लॉरेंस हमेशा सालिम अली जी की तरह ही पक्षियों की देखरेख और उनकी रक्षा के लिए घूमते रहे। वो अपने घर में बहुत कम ही रुके। उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि मेरे बारे में, लॉरेंस के बारे में तो मेरे छत की गोरैया भी मुझसे अधिक जानती होंगी। अब हम उस घटना का वर्णन करेंगे जब सालिम अली जी पक्षी प्रेमी बन गए। एक बार बचपन में सालिम अली जी एयरगन से खेल रहे थे, अचानक उनकी एयरगन से एक गोली चली और एक गोरैया घायल होकर नीचे गिर गई। उसे देखकर सालिम अली जी के मन में हृदय दया का भाव जाग उठा और वे पक्षियों की खोज, उनकी रक्षा के उपायों में लग गए। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। उन्होंने बहुत अधिक कठिन प्रयास किया और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वह पक्षियों की रक्षा करते ही रहे। अब जो चैप्टर है सांवले सपनों की याद, इसका नाम सांवले सपनों की याद ही क्यों रखा गया? देखिए, सांवला शब्द का अर्थ होता है हल्का काला, जैसे श्याम वर्ण कृष्ण, कृष्ण काले हैं, और काले का अर्थ क्या होता है? अंधेरा। अब जो सालिम अली जी ने सपने देखे थे वो उनकी मृत्यु के साथ ही अंधेरे में खो गए, सांवले में यानी हल्के अंधेरे में खो गए। अब पता नहीं कौन उनके इन सपनों को जीवित रखेगा, पूरा करेगा या नहीं करेगा। तो लेखक कह रहे हैं कि अब उनके वो सपने एक धुंधली छाया की तरह ही प्रतीत हो रहे हैं। धन्यवाद।